बैक साइड वाली जगह पर, ठीक है जी। और यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मशहूर चाशू चाट है ना, वो मुझे मिल गई है। और यार बड़ा ढूंढ ढांड के मिली, क्योंकि मैं अनारकली के अंदर की साइड पे ढूंढ रही थी, पर ये पीछे वाली साइड पर है। देयर इज दिस इस तरह की लोकेशन, ठीक है। और ये सामने बैंक है, और उसके बिल्कुल सामने से आप आएंगे इस तरह वाला ये रास्ता है। तो यहाँ पर आगे आपको वो देख रहे हो छोटा सा बोर्ड, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। और बस तो आई गेस में ज़्यादा नहीं फायदा डिले, लेट्स गो लाहौर। अच्छा जी, तो हम जा रहे हैं आगे की तरफ, और ये रहा वो रास्ता। अच्छा, एक बड़े मज़े के यहाँ पे जो है ना, फ्रेश जूस कॉर्नर वाले भाई भी हैं इधर पर, हमने फ्रूट खाना है। और काफ़ी सुना था इसके बारे में, कराची में बड़े कोई चर्चे लगे हुए थे इसके दावे से कि यार ये तो बनता है ना खाना भाई। ये रही वो छोटा सा स्टॉल इसका, दिस इज़ द प्लेस। अच्छा यार, इन लोगों का इतना कोई मज़े का सीन है, इधर इन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगाया 1968 से ये लोग यहाँ पे खड़े हैं। और लाहौर की चाट इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट, बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसे मैं कराची में खाती रहती हूँ और आप लोगों को बताती रहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। सेवरी और मीठा, ये सब चीज़ें एक साथ है इसके अंदर। और मतलब इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ कि यार इसके अंदर इन्होंने फ्रूट चाट भी डाली हुई है समझ लो, और इसके अंदर इन्होंने वो तीखी चाट भी डाली और उसको मिक्स कर दिया इन्होंने। तो इनकी कोई मज़ेदार किस्म के आलू चने हैं, उसके बाद इनके पास केले हैं और बहुत सारे और भी फ्रूट्स हैं, साथ में इनके पास यक ठंडी चटनियाँ हैं और बेहतरीन किस्म का, बेहतरीन से मलाई वाला इनके पास जो दही है, बेहतरीन फिटा हुआ दही है इनका जो ये ऊपर से ऐसे डाल के देते हैं। और इनके पास आलू चने भी हैं जिस पे ये हरी चटनी जो है वो ऐसे डाल के देते हैं। ओहो हो, बात करते के साथ ही ना मुँह में ऐसा कोई पानी आ रहा है ना कि क्या बताऊँ आपको, कि मतलब मेरे अंदर की जो चटोरी है ना वो प्रॉपर वाली जाग रही है। ये इस तरह का इनका एक क्यूट सा स्टॉल है इनका। और यार ख़ुद तो इनको 25 साल हो गए हैं, और ये इनकी कोई 4th-5th generation है जो यहाँ पर काम कर रही है। क्या यार, होम बिज़नेस को इतना ग्रो किया है, मतलब वाह क्या बात है भाई। इसी बात से क्या होता है, अब लेट्स टेस्ट। लाहौर आ जाएं कराची वालों, याद रखना जब लाहौर आओ ये ज़रूर खाना, और भी बहन को याद करना। भाई मैं जो हूँ इनसे कह, मुझे अब चाट बना दे। अच्छा, इन्होंने मुझे बोला कि ये जो है मुझे आलू चने भी खिलाएंगे। आलू चने भी होते हैं, चाट है ना, मिक्स चाट, बस मिक्स चाट और आलू चने हम खाएंगे। तो भाई आप लगा दे जरा, ये जो हमारी मिक्स चाट है ना, मिक्स चाट, ये बैंक स्क्वायर की सबसे मशहूर और सबसे पुरानी दुकान है। मिक्स वाली चाट जो है ये ज़्यादा हमारी फेमस है, इसमें हम खट्टी मीठी और ये सारी चीज़ें ऐड करके बनाते हैं। ये मुकम्मल प्याला तैयार हुआ है सारे मसाला जात के साथ, ये हमने तैयार किया है। कस्टमर आएगा, ये छोटा भाई है, ये दही डालेगा और कस्टमर को दे देगा। तो माशाल्लाह यहाँ से गाड़ियों में लोग आते हैं, तो अपना वकील वगैरह सब वहाँ पे हमारी जाती है चाट, जज वगैरह जो हैं सब, अपना सियासतदान भी माशाल्लाह इस रेडी पर आकर ना चाट खाते। अच्छा, ये रहेंगी मज़ेदार सी जो है ये मिक्स चाट, इसके अंदर बेहतरीन किस्म के ना आलू भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, इसके अंदर किशमिश भी इन्होंने डाली हुई है, चाट मसाला इनके आलू बुखार की चटनी है, पुदीना है, सब कुछ है यार, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा अब। मीठी मीठी है, सेब और केले का बड़ा मज़े का फ्लेवर आ रहा है, और दही बड़ा बेहतरीन है, बहुत मज़े का है दही। इसमें छोले भी डाले हुए इन्होंने। वाह, दूसरी भी हमारे पास, उसको लेते हैं, मैं उसको यहाँ तो रख देती हूँ। मेरी फेवरेट द कराची स्टाइल वाली, कराची स्टाइल वाली बेहतरीन इन्होंने बना के दिया मुझे, इसको खा। ये हुई ना बा, वाह बेहतरीन। वो हुए फुल ऑन स्पाइसी बना के दिए यार उन्होंने, आलू चने इनके वो मिक्स चाट थी
आलू चने में किचमिच डाली है उन्होंने, प्याज है, पुदीना है, धनिया है। फुल आलू बुखार की ठंडी ठंडी चटनी है। हाँ 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 वाह वाह, लाहौर में प्रॉपर कराची वाली चाट की क्रेविंग पूरी, प्रॉपर पूरी। मैं कह रही हूँ ये इंजॉय, आपसे मुलाकात होती है एक और मज़ेदार से लाहौर फूड डायरीज के अच्छे खासे फूडी और मज़ेदार से लोडेड एपिसोड में। दिस मी हिरा साइनिंग ऑफ द हाफिज लाहौर और कराची और सारे वो लोग जो मुझे देख रहे हैं। हाफिज़।